जय गुरुदेव, जय माँ शंभु महादेव, सहना भवतु। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं अमृता जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। एक हमको सवाल था आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हमने सुना है कि शनि स्तंभित हो रहा है, इसका क्या मतलब है और क्या सभी प्लैनेट स्तंभित होते हैं? शनि स्तंभित हो रहा है, ये आपकी जानकारी बिल्कुल वाजिब है और सही है। 26 जून से लेके 3 जुलाई तक शनि महाराज स्तंभित हो गए। दूसरा प्रश्न आपका, नहीं सभी ग्रह स्तंभित नहीं होते हैं। राहु, केतु, चंद्र और सूर्य, ये 4 ग्रह स्तंभित नहीं होते हैं, बाकी हर ग्रह जो है वो मार्गी मतलब क्लॉकवाइज, वक्री अर्थात एंटी क्लॉकवाइज और स्तंभित मतलब एक स्थान पर रुक जाना, ये भी होता है। वैज्ञानिक तरीके से ये 3 चीज क्या है ये हमने पहले हमारे काफी वीडियोस में बताया हुआ है, फिर से आगे आने वाले भविष्य के वीडियो में उसको हम समझाएंगे। लेकिन शनि जो है बहुत बड़ा ये कार्य होने वाला है। बड़े बड़े ज्योतिष, महान ज्योतिषों को भी ये पता नहीं होता है कि ग्रह स्तंभित भी होते हैं और उनके क्या हमारे पे परिणाम होते हैं। तो शनि महाराज जो है बहुत ही उत्तम समय है स्तंभित होने वाले है। तारीख लिख लो, 26 जून से लेके 3 जुलाई, 8 दिन लगभग। थैंक यू। पर एक हमें बताइए कि ये कोई डरने वाली बात है कि ये क्या हमारे पे इफेक्ट होगा इस चीज का? डरने का तो कोई बात ही नहीं है, जिसके पास गुरु है उसको कोई चीज से डरने की या कोई चीज से चिंतित होने की कोई बात है ही नहीं। कोई चीज से डरो मत, कोई चीज से आप परेशान मत हो जाओ, कुछ गलत नहीं होने वाला है। सिर्फ इतना है कि जब ग्रह वक्री होता है, उल्टा चलता है एंटी क्लॉकवाइज, तब वो जो फल देने वाला है उससे उल्टा फल देता है। अच्छा फल देने वाला होगा तो सीधा अच्छा बुरा देगा, बुरा फल देने वाला होगा तो अच्छा देगा। इसी प्रकार के से जब क्लॉकवाइज होता है, मार्गी होता है, तो वो अपने स्वभाव और ज्योतिष विद्या के नियमों के अनुसार फल देता है। लेकिन जब स्तंभित होता है तब उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, तब उससे हमको फल खींचना होता है, हमको उससे फल लेना होता है। तो फिर ये हम कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं इस टाइम पे? बहुत सारे कार्य है जिससे आप शनि महाराज से तुरंत ये शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं इस समय में। ऐसा है कि शनि कर्म फलदाता है, ये हम सबको पता है, और विघ्न करने वाले हैं। तो इस समय में दान पुण्य करें, 26 से लेकर 3 जुलाई के बीच में काफी अच्छा आपको जो है लाभ मिलेगा। सबसे प्रेम करें, क्षमा मांगे सबसे और सबको क्षमा करें। ऐसा करने से तो सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा, ये मेरी आप गारंटी ले लो। दूसरा के रुकावटें शनि लाते हैं, विघ्न करता है, तो विघ्न को हटाने के लिए जो भी कार्य करने हैं इस समय में करो। शनि महाराज रुके हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप फटाफट अपने कार्य चालू कर दो, अटके हुए कार्य फिर से चालू करो, अपने विघ्नों को दोनों हाथों से धक्का देके हटाने की कोशिश करो। काम में प्रमोशन मांगना है, नया काम शुरू करना है, नई पार्टनरशिप शुरू करनी है, बदली मांगनी है एक शहर से दूसरे शहर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तो इसकी डिमांड अब करो, इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नया व्यापार, नया पार्टनरशिप चालू करो, लाभ होगा। तंत्र की सिद्धि करनी है, तंत्र की सिद्धि करनी है, साधना करनी है, योग करना है, डाइटिंग शुरू करना है, पतला होना है, आदतें छोड़नी है, बुरी आदतों को त्यागना है, बुरे व्यसनों को त्यागना है, उसके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम है। इसके बाद में कोर्ट कचेरी में विजय प्राप्त करनी है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी है, कॉम्पिटिटर्स पे विजय प्राप्त करनी है। डिवोर्स नहीं हो रहा है, कोर्ट में अटका हुआ है, तो डिवोर्स फाइल करना है। डिवोर्स हो चुका है या केस चल रहा है और फिर से मिलाप करना है पति पत्नी का, तो वो कार्य के लिए भी ये समय सर्वोत्तम आपके लिए होगा 26 से लेके 3 तारीख तक। अगर किसी की बीमारी बहुत है या जान को खतरा है, उसके लिए कोई विधि विधान महासंजीवनी का प्रयोग करना है, तो उसके लिए भी ये समय सर्वोत्तम है। पर नए कोर्ट केसेस मत चालू करना, वरना बहुत पछताओगे। नए झगड़े मत चालू करना, नए दुश्मन मत बनाना, नए कॉम्पिटिटर्स मत बनाना, वरना बहुत पछताओगे। तो इतनी सी बात है, आप याद रखे, चाहिए तो वापस ये वीडियो देखिए, नोट डाउन करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सबके साथ ये शेयर करें। थैंक यू गुरुजी। पर हमको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में चाहिए था, क्या कोई ऐसे स्टार साइंस है, जैसे हम बोलते कोई राशिफल है जिनको ज्यादा लाभ होगा इस टाइम पीरियड में? देखिए, जैसे पहले आपको बताया कि बहुत ही कम ज्योतिषों को पता है कि ग्रह स्तंभित होते हैं और गिने चुने हैं। बड़े बड़े ज्योतिषों को भी नहीं पता है, जो हमारी तरह
गुरु शिष्य परंपरा से ज्योतिषिक हैं उन्हीं को पता है। जिनको पता है वो भी ये गलती कर रहे हैं कि ये राशि को लाभ होगा, ये राशि को हानि होगी। मैंने आपको कहा है कि कोई फल नहीं होगा शनि का, कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, शनि स्तंभित है, कोई फल अच्छा बुरा दे नहीं पाएंगे। लेकिन जो कार्य आप करोगे उसका आपको कितना फल मिलेगा, अधिक मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, उसको तीन श्रेणी में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले तो तीन ग्रह ऐसे हैं जिन जो स्वयं शनि के हैं या शनि के मित्र है, उनकी राशियों को सर्वोत्तम एक करेंगे तो 100 फायदा होगा। दूसरी कुछ राशियां ऐसी है कि उनको मध्यम फल होगा, जो एक करेंगे तो 10 फायदा होगा। पर कुछ और राशियां ऐसी है कि जो एक करेंगे तो एक ही फायदा होगा, एक का 10 नहीं होगा, एक का 100 नहीं होगा। तो जो शुक्र की राशि है, शनि की स्वयं की राशि है और बुध की राशि है, इनको तो एक एक पुण्य करेंगे, एक बार गंगा जल पानी में डाल के नहाएंगे तो 1000 बार गंगा जी में नहाने का पुण्य मिलेगा। ये राशि कौन कौन सी है? शनि महाराज की है मकर और कुंभ, और आपके बुध महाराज की है मिथुन और कन्या, और शुक्र जो अति मित्र है शनि के साथ, इनकी राशि है वृषभ और तुला। ये 6 राशि हो तो सर्वोत्तम, जितना हो सके उतना अच्छा काम करो, जितना ज्यादा हो सके उतना काम करो, जितना हो सके उतना पैसा कमाओ, सब मल्टीप्लाई होगा, बचत होगी, सब फायदा होगा। जो सम फायदा होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा, वो बाकी की 2 राशि ग्रह के राशियों को, अर्थात गुरु एवं मंगल, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, इसको एक करेंगे तो 10 रुपए मिलेंगे। एक का काम करोगे, 1 रुपए का पुण्य करोगे तो 10 मिलेंगे। तो मंगल की राशियां वृश्चिक और मेष, 2 राशियां, और साथ साथ में गुरु की राशि मीन और धनु राशि, ये 4 राशियों को नॉर्मल एवरेज इफेक्ट मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। और बाकी की 2 जो बची हुई राशियां है ना, अर्थात सूर्य की सिंह राशि और चंद्र की कर्क राशि, इनको 1 रुपए का काम करेगी तो 1 रुपया मिलेगा। तो ऐसे है, तो ये राशि फल इस हिसाब से हमको मिल सकता है, हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये आप लोग सोच के चलिए और इस बात को सबके साथ शेयर करें। हरिओम तत्सत। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ये ज्ञान देने का। हरिओम तत्सत।